Assalamu alaikum. Welcome to Lala's menu. Make sure to subscribe and hit the bell button to get notified when I post new videos. Assalamu alaikum friends. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे. सर्दियों की आमद आमद है और सर्दियों की सबसे बड़ी सौगात फिश है, जो कि सब ही बहुत शौक से खाते हैं. फिश चाहे फ्राई की हुई हो या इसका सालन बना हुआ हो या बेक की हुई हो, हर तरह से मज़े की लगती है और ये खाने में बहुत हेल्दी होती है. आज मैं लालाज मेन्यू में होल फिश बेक करूंगी. इसके लिए आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं जो आपको पसंद है. फ़िश को आप अच्छी तरह वॉश करके इसके दोनों साइड पे कट लगा लें, ताकि जब हम इसे मैरिनेट करें तो मसाला इसके अंदर तक जाए और फ़िश खाने में फीकी ना लगे. फ़िश को मैरिनेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 3 टेबल स्पून, इमली का पल्प 4 टेबल स्पून, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है. अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में डाल के मिक्स कर लेते हैं. नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, इमली का पेस्ट. इमली आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. मसाला लगाते हैं. मसाला अच्छे तरीके से आपने इस तरह फिश को पकड़ के, तो ये जो कट्स हैं पहले इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से मसाला लगाना है, ताकि फ़िश अंदर से भी स्पाइसी बने. समटाइम ये होता है कि फ़िश बाहर से तो मसालेदार होती है, अंदर से वो मसाला नहीं होता तो वो फीकी बन जाती है. तो हम इसको अच्छे तरीके से इसमें जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर मसाला भर देंगे. दूसरी साइड पे भी, अंदर भी हम अच्छे तरीके से मसाला लगा देंगे. फिश को मैरिनेट करके 1 आवर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था. अब 1 घंटे के बाद इसको हम बेक करने लगे हैं. बेकिंग शीट पर मैंने फॉइल पेपर लगाकर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है. अब ये फ़िश इसके ऊपर रख के तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे. ओवन को 350 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है. अब मैं इसके अंदर फ़िश रखूँगी. फ़िश को ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट तक बेक करेंगे, और लेकिन दरमियान में इसको हम चेक करते रहेंगे. 15-20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे. फ़िश के साइड पे जो ऑयल निकला हुआ है इसको चम्मच की मदद से फ़िश के ऊपर ही डालते जाएंगे और इसको दोबारा बेक होने के लिए रख देंगे. 20 मिनट के बाद फ़िश को दोबारा चेक कर लेंगे और फ़िश की साइड को चेंज करके दोबारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो फ़िश के ऊपर डालते जाएंगे. देखें, स्पाइसी मज़ेदार फ़िश तैयार हो चुकी है. इस रेसिपी से फ़िश बनाकर आप अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है. अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके.